हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 14 की एक नई हेडिंग। छठवां हेडिंग है चैप्टर 14 का, हार्मोन। ठीक है, तो ध्यान से समझें हार्मोन क्या होता है, इसका क्या वर्क है मानव शरीर में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं हार्मोन के बारे में। तो ध्यान से आप समझिएगा, हार्मोन वह अणु होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन जो हैं वह अणु होते हैं जो कोशिकाओं के बीच में संदेशवाहक का कार्य करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन जो है कोशिकाओं के बीच में मैसेंजर, ठीक है, संदेशवाहक, सूचना आदान प्रदान करने वाले अणु होते हैं जिन्हें हार्मोन कहते हैं। हार्मोन वह अणु होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का कार्य करते हैं। यह शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। ठीक है, शरीर में जो है हार्मोन कहाँ बनते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं और सीधे ही रक्त धारा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हार्मोन जो हैं वह अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं और इनको डायरेक्ट जो है रक्त धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है, ब्लड फ्लो में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जहाँ से यह अपने कार्य स्थल पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, यह रक्त धारा से होते हुए, ब्लड स्ट्रीम में होते हुए यह अपने टारगेट तक पहुँच जाते हैं। तो हार्मोन वह अणु होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य संदेशवाहक का कार्य करते हैं। यह शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं और सीधे ही रक्त धारा में प्रवाहित कर दिए जाते हैं जो इन्हें कार्य स्थल तक पहुंचा देती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हार्मोन होते क्या हैं, किसके बने होते हैं हार्मोन। देखिए ध्यान से, रासायनिक प्रकृति के अनुसार हार्मोन जो हैं कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन पॉलीपेप्टाइड होते हैं और कुछ हार्मोन एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, रासायनिक प्रकृति के अनुसार कुछ हार्मोन जो हैं स्टेरॉयड होते हैं, कुछ हार्मोन पॉलीपेप्टाइड होते हैं और कुछ हार्मोन एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। देखिए ध्यान से, रासायनिक प्रकृति के अनुसार इनमें से कुछ एस्ट्रॉयड होते हैं जैसे कि एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, इंसुलिन और एंड्रोफिन। ठीक है, ये हार्मोन कैसे हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और स्टेरॉइड हार्मोन में कौन आते हैं, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन। एस्ट्रोजन और एंड्रोजन जो हैं वह स्टेरॉइड हार्मोन है जबकि इंसुलिन और एंडोमॉर्फिन जैसे हार्मोन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, और एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन जो हैं एमिनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन हार्मोन जो है वह एमिनो अम्ल का व्युत्पन्न होता है। ठीक है, तो यह था रासायनिक प्रकृति के बारे में हार्मोन के। आइए देखते हैं इसका क्या वर्क होता है शरीर में। देखिए ध्यान से, शरीर में हार्मोन के अनेक कार्य हैं। ठीक है, यह शरीर में जैविक क्रियाकलाप में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, हार्मोन जो है वह शरीर में जैविक क्रियाकलाप, ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल वर्क होते हैं उनको बैलेंस करने में, उनको संतुलन बनाने में हार्मोन जो है मदद करता है, सहायता करता है। ठीक है, शरीर में हार्मोन के अनेक कार्य हैं। यह शरीर में जैविक क्रियाकलाप में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखने में इंसुलिन की भूमिका इसका उदाहरण है। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जितना अमाउंट चाहिए नॉर्मल रूप में उतना बनी रहे, ठीक है, इसके लिए इंसुलिन हार्मोन की भूमिका होती है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो है यह मुख्य कार्य करता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सीमित रहे, वह बढ़ने घटने न पाए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सीमित रखने में इंसुलिन की भूमिका इसका उदाहरण है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा तेजी से बढ़ने पर, ठीक है,
यदि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो तुरंत पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन निकलेगा। पैंक्रियाज ग्लैंड से क्या निकलेगा, इंसुलिन हार्मोन निकलेगा। दूसरी ओर हार्मोन ग्लूकेगन की प्रवृत्ति रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने की होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ब्लड स्ट्रीम में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने पर पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है जो ग्लूकोज को सीमित मात्रा में कर देता है। ठीक है, अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो हार्मोन ग्लूकेगन निकलता है जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा कम करने का काम कर रहा है, जबकि ग्लूकेगन हार्मोन जो है वह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम कर रहा है। एक साथ ये दोनों हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इंसुलिन और ग्लूकेगन जो है वे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को एक साथ कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन बाह्य उद्दीपक की ओर प्रतिक्रिया में मध्यस्थता करते हैं। ठीक है, तो जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है और नार एपिनेफ्रिन हार्मोन होते हैं, ये जो हैं बाह्य उद्दीपक की ओर प्रतिक्रिया में मध्यस्थता करते हैं। ठीक है, जो भी बाह्य उद्दीपक होते हैं उसके प्रतिक्रिया में यह मीडिएटर का काम करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं, एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन और जनन हार्मोन वृद्धि तथा विकास में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन है और रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उनकी भूमिका जो है वृद्धि और विकास में होती है। थायराइड ग्रंथि में बनने वाला थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि में बनने वाला थायरोक्सिन एमिनो अम्ल टायोरेसिन का आयोडीन युक्त भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथ में बनने वाला जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वह एमिनो अम्ल टायरोसिन का आयोडीन युक्त व्युत्पन्न होता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, अमीनो अम्ल टायरोसिन का आयोडीन युक्त व्युत्पन्न होता है, जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ठीक है, क्या वर्क है इसका, थायरोक्सिन की मात्रा असामान्य रूप से कम होने पर, ठीक है, यदि शरीर में थायरोक्सिन की हार्मोन की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाए तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ठीक है, अवटुता कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है जो अकर्मण्यता और मोटापे से अभिलक्षित होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर जो है थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो इसे हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे और इसके प्रभाव से काम करने की शक्ति नहीं रहेगी और कर्मण्यता हो जाएगी और मोटापा दिखाई देगा, मोटापे के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, यह कब होगा, जब थायरोक्सिन हार्मोन क्या होगा, कम होने लगेगा शरीर में, तब थायरोक्सिन की बढ़ी हुई मात्रा, यदि थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाए तब क्या होगा, थायरोक्सिन की बढ़ी हुई मात्रा से अति अवटुता हाइपर थायराइडिज्म हो जाती है, आहार में आयोडीन की कमी, ठीक है, आहार में आयोडीन की कमी, अवटुता अर्थात हाइपोथायराइडिज्म और थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण बन सकता है। ठीक है, तो अगर आयोडीन की कमी रहे हमारे भोजन में तो इससे हाइपोथायराइडिज्म होगा, जिसके कारण जो गले में थायराइड ग्लैंड है वह बढ़ सकता है, बढ़ने का कारण बन जाएगा। अधिकतर इस स्थिति को खाने वाले नमक में सोडियम आयोडाइड मिलाकर नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो जो आयोडीन की कमी होती है वह नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, अर्थात सोडियम आयोडाइड मिलाकर इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आगे देखें स्टेरॉयड हार्मोन, इसका क्या वर्क है, ध्यान से समझें। स्टेरॉयड हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स और गोनेड ग्रंथियों में बनते हैं। ठीक है, जो स्टेरॉयड हार्मोन है वे एड्रेनल कॉर्टेक्स और गोनेड ग्रंथियों में बनते हैं।
गोनैड ग्रंथियां मतलब पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में डिंब ग्रंथि, इसी में एस्ट्रॉयड हार्मोन बनते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रॉयड हार्मोन एडनल कार्टेक्स और गोनैड ग्रंथियों में बनते हैं। एडनल कार्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन शारीरिक क्रियाकलाप में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो जो एडनल कार्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उनका शरीर क्रियाकलाप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे देखें ग्लूकोकार्टिकॉयड, जो ग्लूकोकार्टिकॉयड हार्मोन निकलता है एडनल कार्टेक्स से, वह कार्बोहाइड्रेट उपापचय को कंट्रोल करता है, फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो ग्लूकोकार्टिकॉयड कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करते हैं, जलन उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं को घटाते हैं और तनाव के प्रति प्रतिक्रिया में भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो ग्लूकोकार्टिकॉयड हार्मोन होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट उपापचय को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, जलन उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं को घटाते हैं तथा तनाव के प्रति प्रतिक्रिया में भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जबकि मिनरलोकार्टिकॉयड गुर्दों से उत्सर्जित होने वाले, ठीक है, मिनरलोकार्टिकॉयड जो हार्मोन है वह गुर्दों से उत्सर्जित होने वाले जल और लवण की स्तर को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो मिनरलोकार्टिकॉयड हार्मोन जो होते हैं वे किडनी से उत्सर्जित होने वाले वाटर और साल्ट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एस्ट्रॉयड हार्मोन जो एडनल कार्टेक्स और गोनैड ग्रंथियों में बनते हैं, एडनल कार्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन शारीरिक क्रियाकलाप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि ग्लूकोकार्टिकॉयड जो है वह कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रित करते हैं, जलन उत्पन्न करने वाले अभिक्रियाओं को घटाते हैं और तनाव के प्रति प्रतिक्रिया में भी सम्मिलित होते हैं। जबकि मिनरलोकार्टिकॉयड जो हार्मोन है वह किडनी से उत्सर्जित होने वाले गुर्दों से उत्सर्जित होने वाले जल और लवण के स्तर को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यदि एडनल कार्टेक्स ठीक से कार्य न करे, ठीक है, यदि एडनल कार्टेक्स ठीक से कार्य न करे तो इसके परिणाम स्वरूप एडिसन डिजीज हो जाती है। ठीक है, यदि एडनल कार्टेक्स जो है वह ठीक से कार्य न करे तो इसके परिणाम स्वरूप एडिसन्स डिजीज हो सकती है, जिसके अभिलक्षण है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि यदि एडनल कार्टेक्स अपना ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो इससे एडिसन डिजीज हो सकती है और जिसके लक्षण होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। दुर्बलता और तनाव के प्रति संवेदनशीलता की संभावना बढ़ना, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, दुर्बलता और तनाव के प्रति संवेदनशीलता की संभावना बढ़ना, यह कब होगा, जब एडनल कार्टेक्स ठीक से कार्य नहीं करेगा तब यह सारी घटनाएं होंगी। यदि ग्लूकोकार्टिकॉयड और मिनरलोकार्टिकॉयड से इलाज न हो तो यह रोग घातक हो सकता है। ठीक है, तो यदि ग्लूकोकार्टिकॉयड और मिनरलोकार्टिकॉयड से इलाज न हो तो यह रोग क्या होगा, घातक हो जाएगा, जो एडनल कार्टेक्स के ठीक से कार्य न करने के कारण उत्पन्न हो रहा है, जिसे एडिसन्स डिजीज कह रहे हैं। ठीक है, तो यदि एडनल कार्टेक्स ठीक से कार्य न करे तो इसके परिणाम स्वरूप एडिसन्स डिजीज हो सकती है, जिसके अभिलक्षण है हाइपोग्लाइसीमिया, दुर्बलता और तनाव के प्रति संवेदनशीलता की संभावना बढ़ना। यदि ग्लूकोकार्टिकॉयड और मिनरलोकार्टिकॉयड से इलाज न हो तो यह रोग घातक हो सकता है। ठीक है, गोनैडों से निकलने वाले, ठीक है, अब आइए देखते हैं गोनैड से कौन से हार्मोन निकलते हैं। गोनैडों से निकलने वाले हार्मोन देखा ध्यान से, गोनैडों से निकलने वाले हार्मोन गौण यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो जो पुरुष के वृषण और स्त्रियों के डिंब ग्रंथ से निकलते हैं, अर्थात जो गोनैड से हार्मोन निकलते हैं वे सेकेंडरी, ठीक है, यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। गोनैडों से निकलने वाले हार्मोन गौण यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों के लक्षण जैसे आवाज में भारीपन,
चेहरे पर बाल और सामान्य शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो गुनाइट से हार्मोन टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं पुरुष में, वे ठीक है उनके द्वारा आवाज़ में भारीपन आता है, चेहरे पर बाल आते हैं और सामान्य शारीरिक बनावट के लिए वे हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, एस्ट्रेडियाल जो महिलाओं में का प्रमुख हार्मोन है जो गुनाइट से निकलता है, एस्ट्रेडियाल महिलाओं का प्रमुख हार्मोन है, यह महिलाओं में द्वितीयक ठीक है गौण यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है और रजोधर्म के नियंत्रण में भागीदार होता है। ठीक है, तो रजोधर्म को कंट्रोल करने में यह एस्ट्रेडियाल हार्मोन की प्रमुख भूमिका होती है। प्रोजेस्टेरॉन निषेचित अंडे की स्थापना के लिए गर्भाशय को उपयुक्त बनाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं में जो गुनाइट्स हार्मोन है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन है, यह निषेचित अंडे की स्थापना के लिए गर्भाशय को उपयुक्त बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि गुनाइटों से निकलने वाले हार्मोन द्वितीयक यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों जैसे लक्षण जैसे कि आवाज़ में भारीपन, चेहरे पर बाल और सामान्य शारीरिक बनावट के लिए जिम्मेदार होता है। एस्ट्रेडियाल महिलाओं का प्रमुख हार्मोन है, यह महिलाओं के द्वितीयक यौन लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है और रजोधर्म के नियंत्रण में भागीदार होता है। यह प्रोजेस्टेरॉन निषेचित अंडे की स्थापना के लिए गर्भाशय को उपयुक्त बनाता है। ठीक है, तो यह जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, यह निषेचित अंडे की स्थापना के लिए गर्भाशय को तैयार करता है, उपयुक्त बनाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका हार्मोन के बारे में, ठीक है, और कुछ हार्मोन के वर्क के बारे में। थैंक यू।